क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। मैं आपके पास आया हूँ दो दिन बाद बेसिकली। भाई देखें, अभी मैं ट्रैवलिंग के अंदर हूँ, आप लोगों को जैसे कि पता है काफ़ी बिजी चल रहा है स्केड्यूल, पर फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी से अपडेट कर देता हूँ। ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद है सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब देना जो आप लोगों से कमेंट्स में पूछ रहे थे। देखिए, पहली बात तो है कि मुझे लोग बोल रहे थे कि भाई ये जो फेयर है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का जो अब शुरू हुआ है, इसकी डेट है इवेंट की 24 फरवरी 2024। उसके बारे में लोग कह रहे थे कि यार उसका लिंक नहीं खुल रहा। भाई जो मैंने आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उस पर जाएंगे और आप अपने आप को रजिस्टर अभी भी कर सकते हो। मैंने अभी चेक किया है। आई डोंट नो फिर आप लोग कौन सा लैपटॉप या कौन सा फ़ोन यूज़ करो जिसकी वजह से वो आपको नहीं अंदर जाने दे रहा। मेक श्योर कि आपका लैपटॉप या आपका जो ब्राउज़र है वो आप चेंज करके देखो, या फ़ोन है तो किसी और का फ़ोन लेके देखो, ठीक है ना। इसके अलावा मुझे एक और सवाल आता है कि भाई एक हमारे बड़े प्रायर सब्सक्राइबर, उन्होंने IRCC के बारे में पूछा था, एक वर्चुअल फेयर है उनका भी। अभी तक मुझे उसके बारे में सही तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। आई एम नॉट 100% श्योर कि वो अभी प्रोग्राम वैलिड है कि नहीं है, या अभी वो रनिंग प्रोग्राम है कि नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम गोना ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेशन। देखें, कनाडा आने का मैं आप लोगों को सही बता दूँ, ये बेस्ट ईयर अगले साल कनाडा में इलेक्शंस आने वाले हैं। उससे पहले पहले जो हुकूमत चेंज होने वाली है, आप उससे पहले पहले कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके 2024 को अपना ईयर बनाएं कि आप कनाडा में लैंड हो जाओ। क्योंकि जब नई हुकूमत आएगी, कुछ नहीं पता कि वो लिबरल होगी या कंजर्वेटिव की साइड से होगी। दो किस्म की जमातें हैं वहाँ पे। अगर तो कंजर्वेटिव जो है तो वो लोग थोड़े से, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, वो थोड़े से मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़े से रेसिस्ट हैं। और जो लिबरल हैं, जो अभी हुकूमत है, उस हुकूमत की परफॉर्मेंस आजकल इतनी अच्छी नहीं है, पर एटलीस्ट इमिग्रेशन के मामले में उन्होंने काफ़ी, उनके लॉज अच्छे थे। पर अभी जो कनाडा के हालात हैं उसके हिसाब से उन्होंने उन लॉज में भी चेंजेस लेकर आ गए, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल पैदा कर दी। तो अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुश्किलें हुई, तभी ये प्रोविंसेस आ गया है। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग अब आपको अपॉर्चुनिटी देंगे आने की विजिट पे या जॉब वीज़ा पे, ठीक है। तो जॉब वीज़ा मेरे हिसाब से बेस्ट वीज़ा है अभी। और आप लोग, मैंने देखा है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो बट फ्रॉम वेरी वेरी वियर टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपने किस रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन ली है। मैं जो वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, देर इज़ नो फेक। अभी एक थोड़ी देर पहले मुझे कमेंट आया कि ओ ये फेक है, तो भाई फेक मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट से उनसे ही आपको डेटा निकाल के दिया है। कोई मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें, ना ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई और व्हाट्सएप का नंबर लो और मुझसे जो है ना डायरेक्ट। मैं तो लोगों को फ्री में, बहुत सारे लोगों को मैंने सीरीज़ बना के दी, बहुत सारे लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन दी, तो मतलब ये तो कोई फ़ायदा नहीं बात करने का। तो प्लीज़ अपना टाइम नहीं वेस्ट करें, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल इग्नोर करें जिनको हसल नहीं करनी, जिनका कोई टारगेट नहीं है लाइफ में। अगर आपका एक गोल है कि आपने कनाडा आना है इसी साल, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा जाएं और अभी आप रजिस्टर कर लो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए। कोई अपॉर्चुनिटी जाने मत दें, मेरा मकसद ये है आपको बताने का, ठीक है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी जाने दी, हो सकता है कि इसमें आपकी किस्मत खुल सकती थी या इसमें आपको जॉब मिल सकती है, पर अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी इग्नोर करी तो फिर यू नेवर नो आगे जाके ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए ना आए। तभी कह रहा हूँ 2024 को अपना साल बनाएं, अगले साल की भी प्लानिंग करें ऑब्वियसली, पर ये साल को आप मेक श्योर करें कि इफ़ यू वांट टू कम टू कनाडा दिस इज़ द बेस्ट ईयर। CV का टेम्पलेट मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में शेयर किया है, पिछली वीडियोज़ में मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी है। कुछ लोग और मुझे ये भी बोल रहे हैं कि भाई आपके इंस्टाग्राम पे हम जा रहे हैं तो आपको मैसेज नहीं मिल रहे। मैसेज ना इंस्टाग्राम में बेसिकली वो प्राइमरी एंड जनरल के अंदर चले आते हैं, तो मुझे वो वाले मैसेज कभी बार नज़र नहीं आते। तो ये आप कर सकते हो कि अभी आप अगर मुझे रीच आउट करते हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक फॉर्मेट बना के दे दूँ CV का, ठीक है, या फिर मैं आपको एक ऐसा डाटा निकाल के दूँ जिससे आपकी CV बनाने में मदद हो सके। देखिए, CV बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कीवर्ड्स आपको चाहिए, अगर अभी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए आप CV अपनी डालते हैं, कीवर्ड्स आपने निकालने गूगल से, जो भी आपकी जैसा अगर आपकी जॉब है उसके हिसाब से कोई डिस्क्रिप्शन होगी, उसके कीवर्ड्स आपने अपनी CV में डालने हैं। और जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करोगे, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे जाओ तो मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया पूरी लिस्ट है कि आप किस के लिए जा रहे हो। पहली बात तो आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यानी कि आप कोई IT के हो तो आप मेडिकल की फील्ड भी सेलेक्ट कर लोगे, ऐसा आपने नहीं करना। जो आपकी फील्ड है आपने उसी के हिसाब से क्लिक करना है और उसके अंदर जाना है। एंड प्लीज़, जो लोग बोले ना प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, मतलब उसको अगर आप फॉलो करो तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप किस इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो। फिर मैंने बाकी वीडियोस में ये भी बताया था कि किस तरह आपने इंडीड और किस तरह आपने लिंक्डइन पे जाके या उनकी करियर वेबसाइट्स पे जाके कंपनीज की लोगों को रीच आउट करना है। आपने अगर मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप वो ज़रूर देखें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जवाब दे सकूं, उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। ऑब्वियसली थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल आजकल चल रहा है मेरा। इंशाल्लाह कनाडा पहुँचने साथ ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैंने लेकर आनी है। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए।
मैं आपको प्रॉपर लिविंग स्टाइल एंड प्रॉपर कंपैरिजन अपनी बाकी वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ कनाडा के बारे में और जॉब्स के बारे में भी कि वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो मुझे सवाल अभी कमेंट्स में मिल रहे थे, मैंने उनकी जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। और अगर आपके पास सवाल है कमेंट इट डाउन। इस दफ़ा आई एम श्योर आज का टाइम निकाल के थोड़ा सा आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। एंड CVs के लिए अगर किसी को मदद चाहिए लेट्स डू दैट, वो भी हम करते हैं इंशाल्लाह। ये मैं अपडेट दे रहा था आप लोगों को, जल्दी से आप प्रिंस एडवर्ड एटलीस्ट ये वाली अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करें, इसमें रजिस्टर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।